हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज विकास हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से हम एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जी मेल एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर पे जहां पर आपको होम ऑल कोर्सेज माई कोर्सेज डाउट का सेक्शन मिलेगा हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पी मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी पी के साथ ही साथ हम आपको क्विज़ भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पी को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पर डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर sure करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें हम डेली बेसिस पे आपको पी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं नॉट जस्ट दिस अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की अर्निंग हो सके नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कॉन्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न किस तरीके का सिलेबस आता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल सके इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स गवर्नमेंट स्कीम्स इंटरनेशनल अफेयर्स विजिट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमी से रिलेटेड स्पोर्ट्स डिफेंस कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके सो फ्रेंड्स डू चेक आर एप्लीकेशन इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 20 फरवरी के इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए एंड तक बने रहिएगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की तो अभी डीएसी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ प्रोजेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी या फिर इक्विपमेंट्स वर्थ एटी फोर थाउजेंड फाइव सिक्सटी करोड़ रुपीस राइट इससे क्या होगा एक तो ये ए ओ क्या होता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मतलब जिन प्रोडक्ट्स की जिन टेक्नोलॉजी की जिन इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है नेसेसरी है जरूरी है उनको यहाँ पे एक्वायर करा गया है इसके अंडर राइट एंड ये इंडियन आर्म फोर्सेज एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये एक्वायर यहां पर करे जाएंगे फिर यहां पे ऐसे दो कुछ प्रोडक्ट्स याद रखेंगे जो कि डीएसी ने एक्वायर कर रहे हैं अंडर बाय इंडियन कैटेगरी मतलब उनको इंडिया में डेवलप किया जाएगा पहला है एक्टिव टोड एरेसोनार ठीक है और दूसरा आ जाता है हैवी वेट टॉर्पिडो है टॉर्पिडो क्या होता है ये भी मिसाइल होती हैं लेकिन ये सबमरीन की मिसाइल्स होती हैं जो कि अंडर वाटर वर्क करती हैं डी की अगर मैं बात करूँ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल तो डी की याद रखेंगे जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो कि राजनाथ सिंह है अभी चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की एक एक्सरसाइज वायु शक्ति इन विथ स्टेट तो ये वायु शक्ति एक्सरसाइज है ये तीन साल में एक बार होती है करेक्ट एंड इस एक्सरसाइज को अभी दो लास्ट ईयर 2019 में कंडक्ट कराया गया था और अभी एक्सरसाइज हुई थी राजस्थान में पोखरान राजस्थान में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी करेक्ट कहाँ पर राजस्थान पोखरान में क्या नाम है एक्सरसाइज का वायु शक्ति किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी वॉज कंडक्टेड बाई इंडियन एयर फोर्स मा करके चलेंगे ठीक है फिर इसकी एक थीम आ जाती है एक्सरसाइज की जो वायु शक्ति की जो आपको याद रखनी है लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई इटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्का आपकी थीम रहेगी एक्सरसाइज की राइट टेक अफ दिस इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करा याद रखेंगे दो हजार उन्नीस में हुई थी करेक्ट जैगवार थर्टी मार्क वन इनका भी यहां पर हमें पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला नेक्स्ट इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड एन एम ओ यू फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स इंडियन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए अभी रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एम ओ यू साइन किया तो वो रहेगा ताइवान राइट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो ताइवान मल्टीपल कंट्रीज से जो लेबर्स हैं जो वर्कर्स हैं उनको लाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें फिलिपीन से इंडोनेशिया से वियतनाम से थाईलैंड से एंड अब इंडिया से भी वर्कर्स यहाँ पर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकेंगे करेक्ट इसी के साथ साथ याद रखेंगे इवन अभी अगर आपने न्यूज सुनी हो तो हरियाणा से काफ़ी सारे वर्कर्स लेबर्स ऐसे थे जो यूक्रेन गए थे जहां पे हमने देखा वॉर चल रही है ताकि वहां के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सके राइट एंड यहां के जो यूथ है उन्होंने बोला कि यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें मिल नहीं रही है इससे बेटर है कि हम यूक्रेन में जहां पे वॉर हो रही है वहां पर जाके अपना कुछ रोज़गार कमा सकते बिकॉज वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज निकली हुई थी वर्कर्स की करेक्ट तो कमिंग बैक इंडिया ने अभी इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ताइवान के साथ ही एमओयू साइन किया फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन वर्कर्स नेक्स्ट आप यहां देख सकते हैं इंडिया एंड ताइवान के बीच में आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे थे टू तो कतर एंड यूएई कतर की कैपिटल दोहा यू की कैपिटल आबूधाबी एंड जब ये यहाँ पर थे तो काफ़ी सारे एम साइन किए गए इन डिफरेंट फील्ड्स डिफेंस से लेके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरी कंट्रीज़ में एक दूसरे कंट्री के साथ कॉर्पोरेशन करने के लिए इन वेरियस इन्वेस्टमेंट राइट देन यू एंड यू इंडिया का एंड ए ए एन आई ये दुबई का यू का इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर टाइम टाई हुआ ताकि पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके एक दूसरे की कंट्रीज़ में राइट right? और एक नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सेटअप करने की बात की गई लोथल गुजरात में तो मल्टीपल यहाँ पर एमओ देखने को मिलते हैं मिले हमें जब यहां पे यहां पे 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 पीएम नरेंद्र मोदी विजिट थे चलिए नेक्स्ट आते हैं किस बैंक ने भी सेलिब्रेट किया एटी नाइन्थ बिजनेस कमेंसमेंट डे तो अभी रिसेंटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा एटी नाइन्थ बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑब्जर्व करा गया ये इवेंट इसका कहां पर हुआ था पुणे महाराष्ट्र में हमें इसका इवेंट देखने को मिला करेक्ट एंड ये एटी नाइन्थ बिजनेस कमेंसमेंट डे था जिसको हम महापरिवर्तन दिवस टू पॉइंट ओ के नाम से भी जानते हैं महापरिवर्तन दिवस टू पॉइंट ओ के नाम से भी जानते हैं राइट right? एंड फिर यहीं पर अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाबैंक इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम लॉन्च करी काफ़ी सारी बेसिकली ये महाबैंक इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम क्या है जो एम एस एम ईज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की जाती है इसके अंडर देन फिर इसी के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई हैं इनकी कि लोन्स मिलेगा अप टू 1.6 लाख रुपीस टू द कर्नाटका फार्मर्स फिर इसी के साथ साथ लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराने की बात की गई एज वेल एज यहां पे काफी सारी सर्विसेज डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराने की बात की गई जो कि बैंक के कस्टमर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा ठीक है चलिए फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे ई एस राजीव हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में रहेगा नेक्स्ट पे आते हैं आई इन्होंने अप्रूव किया पॉलिसी बाजार को टू अपग्रेड टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर देखो अभी आई ने दिया इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसको गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड को ताकि अपना लाइसेंस अपग्रेड कर सके फ्रॉम अ डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर राइट इस अप्रूवल के साथ क्या होगा कि पॉलिसी बाजार इज अलाउड टू सेल री इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑल्सो बिसाइड जस्ट बीग प्योर प्ले प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन इंश्योरेंस बाइंग करेक्ट या सेल भी कर सकेंगे री इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है फिर अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार की ये एक होली ऑन सब्सिडी है किसकी गुरुग्राम बेस्ड पीबी फिनटेक लिमिटेड की नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन वीमेन तो ये जो डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पे नियर बाई के द्वारा लॉन्च किया गया है सेमी डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है रूरल एरियाज में एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में जो वीमेन्स हैं उनको यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च किया गया है अंडर लखपति दीदी इनिशिएटिव लखपति दीदी इनिशिएटिव के अंदर ये लखपति दीदी इनिशिएटिव क्या है ये इनिशिएटिव 2023 में लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर एंड इसका इनिशिएटिव क्या है कि जो वीमेंस हैं उनको यहाँ पे एक लाख रुपए एनुअली उनकी इनकम को जनरेट करने के लिए या फिर एक लाख रुपए सालाना उनकी कमाई लाने के लिए ये लखपति दीदी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था टारगेट ईयर इसका रहेगा दो तक ये यहाँ पे टारगेट को अचीव करना है ऑफ वन लाख रुपीज ईयरली फॉर वीमेंस चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है पे नियर बाय पे नियर बाय ने लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन वीमेन्स राइट पे नियर बाय ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है पे नियर बाय इन्होंने ये डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया टू जनरेट सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन एंड दिस इज इन लाइन विद लखपति दीदी इनिशिएटिव जो कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है लॉन्च इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री द प्लेटफॉर्म सीक्स टू ऑन बोर्ड एंड अपलिफ्ट अबाउट वन लैक वीमेन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज बाय द एंड ऑफ दो हजार पच्चीस नेक्स्ट हाउ मैनी यंग इंडिविजुअल्स फीचर्ड ऑन फॉर्ब्स इंडिया थर्टी अंडर थर्टी लिस्ट सो आर टोटल ऑफ थर्टी एट इंडिविजुअल्स वर इनको अभी फीचर किया या फिर थर्टी एट इंडिविजुअल्स अभी फीचर हुए इन द इलेवेंथ एडिशन ऑफ द फॉर्ब्स इंडिया थर्टी अंडर थर्टी लिस्ट में फॉर द क्लास ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये वो लोग हैं जिन्होंने ये वो प्रोफेशनल्स हैं एंट्रप्रनोर हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपनी फील्ड्स में में एंड पे पे 19 कैटेगरीज इनका पे पार्ट देखने को मिलता है देन वेरियस कैटेगरी से जैसे एक्सपर्ट्स हो गए आपके को फाउंडर्स हो गए उनके द्वारा इन 38 एट इंडिविजुअल्स को यहां पे सेलेक्ट किया गया फॉर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रायन कारवालो यहाँ के एडिटर रहेंगे हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसको लॉन्च किया गया था दो में नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन अभी आई ने रिकॉन्स्टिट्यूट की एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर आई एन डी इंप्लीमेंटेशन इन इंश्योरेंस सेक्टर ये आई एन क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको जो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डिज़ायर्ड फॉर्मेट में एक डिजायर्ड स्टैंडर्ड के तौर पर यहाँ पे देनी होती है करेक्ट उसको हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स राइट उनको अपना जो कंपनीज को अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एक तरीके से प्रिपेयर करनी होती है फिर आई एफ आर एस क्या होता है आई एफ आर एस होता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आपका ग्लोबल स्केल पे जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या दूसरी कंट्रीज से डील करते हैं तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए जिससे हम जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है जो बिजनेस कर रहे हैं ताकि जब आप कोई रिपोर्ट बना के दें तो सामने वाली फर्म सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट कंट्री में है वो भी आपकी रिपोर्ट्स को आपके अकाउंट्स को समझ सके करेक्ट तो ये आई एफ आर एस आई एफ आर एस फाउंडेशन के द्वारा इश्यू किया जाता है जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है करेक्ट चलिए तो अभी आई आर डी आई ने रिकॉन्स्टिट्यूट इंप्लीमेंटेशन इन द इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर्स में ये जो रिपोर्ट्स बनेंगी जो स्टैंडर्ड होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा इनको मेंटेन करने के लिए एक्सपर्ट कमिटियां सेटअप की गई ठीक है अगर मैं आई की बात करूँ तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे देवाशीष पांडा हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में एंड इसको नाइनटीन में इनकॉर्पोरेट किया गया नेक्स्ट आ जाते हैं विद स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च मीटरलॉजिकल सेटेलाइट इनसेट थ्री डी ये तो सेटेलाइट का नाम है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी राइट यूजिंग द रॉकेट कौन से रॉकेट यूज करके इसको लॉन्च किया गया जी एस एल वी फाइफ फोर्टीन इस रॉकेट की मदद से इनसेट थ्री को स्पेस में लॉन्च किया गया किसके द्वारा इसरो के द्वारा इस इसको स्पेस में लॉन्च किया गया है है ठीक फिर आप पे देख सकते हैं फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करेक्ट एंड फिर अगर बात करें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस इनसेट थ्री डी एस मिशन का टू मॉनिटर अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस को मॉनिटर करने के लिए ओशनिक ओशंस में जो डिस्टर्बेंस आ रही है उनको ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम चैनल्स में राइट right? एटमोसफेयर को मॉनिटर करने के लिए ताकि वहाँ का डाटा प्रोवाइड हमें हो सके और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकें या फिर अगर कोई स्टॉम भी आता है हम पहले से उसके लिए प्रिपेयर रह सकें नेक्स्ट स्पेस एक्स स्पेस एक्स ने अभी रिसेंटली ओडिसिस एक लूनर लैंडर है जो कि लॉन्च किया है एंड एनिए इंट्यूटिव मशीन्स इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया एक रोवर है लैंडर लूनर लैंडर है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा अभी लॉन्च किया गया ठीक है मार्क करेंगे स्पेस एक्स की फेल्कन नाइन रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया है इंट्यूटिव मशीन्स इनकॉर्पोरेशन के रोबोटिक लूनर लैंडर को जिसका नाम है ओडिसिस नोवा सी नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर तो अभी पेरियल ओडियन ये एक नई स्पीशीज़ है कस्टेशियन की जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई ओडिशा में और ओडिशा में भी कहाँ पर छिलका लेक में ये नई स्पीशीज ऑफ कस्ट रिसेंटली डिस्कवर की गई करेक्ट और इसका क्या नाम रखा गया है पेरियल ओडियन ये नई स्पीशीज का नाम रखा गया एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ओडियन और ओडिया लैंग्वेज होती है ओडिशा की तो ओडिया लैंग्वेज के बेसिस पे ही इसका नाम ओडियन रखा गया ताकि ओडिया लैंग्वेज को भी यहाँ पे सम्मानित किया जा सके नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आते हैं अभी रिसेंटली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के दौरान यह टीम चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी आपकी मलेशिया में हुई थी ये इंपॉर्टेंट है मार्क करेंगे लोकेशन यहां पर इंडियन वीमेन्स बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है बाय डिफिटिंग थाईलैंड टीम इन द फाइनल आई रिपीट बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अभी इंडियन वीमेन्स बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड सिक्योर करा एंड इन्होंने किनको हराया फाइनल्स में इन्होंने थाईलैंड को हराया इन द फाइनल्स और ये जो इवेंट हुआ था ये इवेंट कहां पर हुआ था ये आपका मलेशिया में हमें फाइनल इवेंट देखने को या फिर ये जो चैंपियनशिप है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप कहां देखने को मिली थी थाईलैंड में था मलेशिया uh, में देखने को मिली थी ठीक है चलिए नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज तो अभी वर्ल्ड पेंगोलियन डे हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड पेंगोलियन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं सत्रह फरवरी को नहीं हर साल सत्रह फरवरी को ऑब्जर्व नहीं करते याद रखेंगे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ फेब मंथ फेब के थर्ड सैटरडे को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलियन डे और इस बार 2024 में ये कब था सत्रह फरवरी को हमें यह ऑब्जर्व किया ठीक है वर्ल्ड पेंगोलियन डे और ये तेरवा वर्ल्ड पेंगोलियन डे हमने ऑब्जर्व करा है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर तो अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धाराम मैया जी के द्वारा लॉन्च की गई आशा किराना आई केयर स्कीम लोगों की आई चेकअप के लिए कि उनको ब्लाइंडनेस ना हो आंख में कोई दिक्कत हो तो उसका चेकअप हो सके राइट प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके इसीलिए लिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये आशा किराना आई केयर स्कीम एट योर सेप लॉन्च की गई करेक्ट ये ऑफर करती है फ्री आई केयर सर्विसेज टू द फैमिलीज अक्रॉस कर्नाटका एंड इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धाराम मैया जी के द्वारा नेक्स्ट तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर डीएसी ने अप्रूव किया एक्विजिशन वर्थ 84,560 करोड़ रुपीस टू बूस्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म फोर्सेस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड देन इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करा एक्सरसाइज वायु शक्ति इन पोखरान राजस्थान इंडिया एंड ताइवान ने साइन किया एक एमओयू फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन वर्कर्स इन ताइवान देन पी एम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया टू यू ई एंड कतर इन फेब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड मल्टीपल एम ओ यूज यहाँ पे साइन किए गए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सेलिब्रेट किया एटी नाइन्थ बिजनेस कमेंसमेंट डे एंड लॉन्च एटी नाइन न्यू प्रोडक्ट्स दैन आई आर डी आई ने अप्रूव किया पॉलिसी बाजार को टू अपग्रेड टू अम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर पे नियर बाय ने लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंड अर्बन सेमी अर्बन वीमेन दैन थर्टी एट यंग इंडिविजुअल्स ने फीचर किया ऑन द फॉर्ब्स इंडिया थर्टी अंडर थर्टी लिस्ट क्लास ऑफ ट्वेंटी फोर में देन आई आर डी आई ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आई एफ आर एस स्टैंडर्ड्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर देन जी एस एल वी एफ फोर्टीन रॉकेट की मदद से इनसेट थ्री डी एस एक सेटेलाइट है जो कि स्पेस में लॉन्च की गई बाय इसरो आपके मीटोलॉजिकल स्टडी के लिए काम आएगी ओशनिक स्टडी के लिए काम आएगी देन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया ओडिसिस ये एक इंट्यूटिव मशीन इनकॉरपोरेशन का एक लूनर लैंडर है जो कि इनके द्वारा डेवलप किया गया एंड ट की 9 के मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया पेरियल ओडियन ये एक नई स्पीशीज है टाइटल जीत फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग थाईलैंड इन द फाइनल और ये बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहां पर हुई थी ये आपकी मलेशिया में हुई थी राइट देन वर्ल्ड पेंगोल डे सत्रह फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी के द्वारा अभी आशा किराना आई केयर स्कीम को लॉन्च किया गया राइट ताकि लोगों को यहां पे बेटर आई ट्रीटमेंट मिल सके एंड उनका आई के चेकअप हो सके तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे विथ स्टेट हैज रिसेंटली रिकॉगनाइज एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया तो किसको पेट्रो कैपिटल बोला जाता है इंडिया का वो है गुजरात नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है फेलिक्स एंटोनियो एंटोनी राइट इनको भी लेट किया गया प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म फॉर द सेकेंड टर्म फेलिक्स एंटोनी इनको रीलेट किया गया है प्रेजिडेंट ऑफ द कहाँ के इनको प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इनको प्रेजिडेंट अपॉइंट किया गया ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा नेक्स्ट हु वॉज और हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसी के साथ साथ एट्थ प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी ठीक है तो पहली वीमेन बनी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेजिडेंट एंड आठवीं प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कौन है वो है नादिया कैलावीनो स्पेन से ये बिलोंग करती है ठीक है ये किनको सक्सीड करेंगी ये सक्सीड करेंगी वर्नर हॉयर को करेक्ट ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं एंड यहां पर ये प्रेसिडेंट थे ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक सिंस 2012 नेक्स्ट नॉर्वेनियन ग्रैंड मास्टर एंड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन्होंने अभी वन डैश वर्ल्ड ब्लेस्ड चेस चैंपियनशिप तो उन्होंने कौन सा एडिशन जीता या फिर कौन सा नंबर जीता फॉर द वर्ल्ड ब्लेस्ड चेस चैंपियनशिप तो ये इनका कौन सा विनिंग टाइटल है तो सातवीं बार इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड ब्लिट्स को जीता एंड वहीं पे रशियन ग्रैंड मास्टर 2012 में।, तो में तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन टू करेक्ट मैग्नस कार्लसन के लिए इनका सेवेंथ टाइम था और वेलेंटीना के लिए इनका ये सेकेंड टाइम था नेक्स्ट विच कंट्री अलोंग विद इंडिया किया फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज

अभी ब्रिक्स में टोटल टेन मेंबर्स हैं ये याद रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जेन 2024 पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी वो कंट्री नहीं है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया तो अर्जेंटीना ने यहां पे ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं किया है यू इजिप्ट सऊदी अरेबिया एंड ईरान दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स ठीक है नेक्स्ट विच स्टेट्स प्रोडक्ट आदिखेरी हैंडमेड कारपेट एंड वेंचो वुडन क्राफ्ट आइए आदिकेरी क्या है एक हैंडमेड कारपेट एंड वेंचो वुडन क्राफ्ट पूछा जा रहा है आदि केरी इसको भी जी आई टैग मिला यह कौन सी स्टेट का प्रोडक्ट रहेगा आदि केरी तो यह कहाँ का प्रोडक्ट है यह है आपका अरुणाचल प्रदेश का ठीक है अरुणाचल प्रदेश का फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे वाक्रो ऑरेंज यह भी अरुणाचल प्रदेश का एक प्रोडक्ट है जिसको जी आई टैग मिला मिशमी टेक्सटाइल मिशमी टेक्सटाइल यह भी एक आंध्र प्रदेश का ही अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको जी आई टैग मिला और एक याद रखेंगे खामती राइस ठीक है एंड आदि केकरी आदि केकर नॉट केकरी आदि केकर नेक्स्ट विथ स्टेट्स प्रोडक्ट टेंगेल कॉटन सारीज कॉरियाल सारीज एंड गरद सा, सिल्क सारीज है रिसेंटली कॉट द जी आई टैग तो हम बात कर रहे हैं टेंगेल कॉटन साड़ी की कोरियल साड़ी की गरद, सिल्क सारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहां के प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है ये है वेस्ट बंगाल के नेक्स्ट शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबाह वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री तो ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के ये यहां पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ठीक है, है? मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट एस बी आई रेज डैश बाईंगाइव ईयर ग्रीन बॉन्ड विच विल मैच ऑफ दिसंबर टू फिफ्टी मिलियन डॉलर करेक्ट बाई इशुंगाइव ईयर ग्रीन बॉन्ड पांच साल का यह आपका ग्रीन बॉन्ड रहेगा कम मैचर होगा उनतीस दिसंबर को यह मैचोर होगा दो हजार अट्ठाइस में राइट right? एंड जो ये अमाउंट इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सके जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है राइट right? तो रिन्यबल एनर्जी सेक्टर्स में ग्रीन प्रोजेक्ट्स में राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये यह अमाउंट यहाँ पे यूज किया जाएगा नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एन ए आर सी एल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लिमिटेड राइट तो एम डी एंड सीईओ किन को अपॉइंट किया गया है ऑफ एन ए आर सी एल कौन रहेंगे वो वो है पी संतोष ठीक है नेक्स्ट विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली है दो चीज यहां पे लॉन्च की गई है पहला तो है पैसा पोर्टल पैसा पोर्टल और दूसरा है पीएम स्वानिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल तो ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए पूछा जा रहा है किन के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा ये दो पोर्टल लॉन्च किए गए जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ठीक है इनके द्वारा ये दो पोर्टल्स यहां पे लॉन्च किए गए हैं अगर बात करें ये दो पोर्टल बेसिकली आपका ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करेंगे अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे राइट एंड यहां पे जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी प्रोसेस की मतलब क्या काम चल रहा है कितनी स्पीड से चल रहा है तो वहां पे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एंड इससे इवन क्या होगा डैशबोर्ड है तो बेटर एनालिसिस हो सकेगा एंड जो स्कीम्स होंगी राइट उनको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा नेक्स्ट शेख हसीना ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ अवामी लीग एंड इनको भी रिसेंटली इफ अगर आपको पता हो तो ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं कहा की बांग्लादेश की एंड इनको भी रिलेक्ट कर लिया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर द डैश टर्म तो ये फॉर द फिफ्थ टर्म यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं पी शेख हसीना एंड याद रखेंगे एक और चीज पी शेख हसीना राइट ये लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड बन गई हैं किसी भी स्टेट की चलिए नेक्स्ट म द पर्सनैलिटी हू हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन के अभी रिसेंटली सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं किन को अपॉइंट किया गया है? वो है रघुराम आरबीआई ने इंक्रीज कर दी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पहले सौ करोड़ थी कि मतलब उन्हें कम से कम सौ करोड़ का कैपिटल होना चाहिए अब उसको इंक्रीज कर दिया टू टू हंड्रेड करोड़ रुपीज करेक्ट एंड इवन जो आपके अगर हम बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं राइट एंड वो ट्रांजिशन करना चाहते हैं टू तो स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको भी अब 200 करोड़ रुपए का यहां पे कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा नेक्स्ट नासा नासा ने अभी पांच पेलोर्स लॉन्च किए टू सॉफ्टलैंड ऑन द मून सरफेस यूजिंग डैश थ्रू यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वुलकन सेंटर लॉन्च व्हीकल फ्रॉम केप कैनिवरल के फ्लोरिडा यूएसए तो प्रिग्रेन मिशन वन के अंदर यहां पे पांच ये पेलोड्स लॉन्च किए गए ऑन द सरफेस ऑफ द मून बाय नासा नेक्स्ट इंडिया इज सेट टू चेयर एंड होस्ट द डैश सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024 इन न्यू दिल्ली तो इंडिया कौन सा सेशन होस्ट करेगा यूनेस्को कमेटी का वो 46वां सेशन होस्ट करेगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो कि जुलाई में होगा 2024 में होगा लोकेशन क्या रहेगी न्यू डेली में होगा मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं वो हैं गैब्रियल एटल राइट गैब्रियल एटल की बात करिए कितने साल के हैं तो ये छियालीस साल के रहेंगे एंड याद रखेंगे एक सॉरी आई करेक्ट सेल्फ ये चौंतीस साल के हैं राइट गैब्रियल एटल एंड ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के जो कि यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर हैं कि किन को रिप्लेस करेंगे इन्होंने रिप्लेस किया एलिजाबैथ बॉन को इन्होंने किन को रिप्लेस किया एलिजाबैथ बॉन को नेक्स्ट नेम द असॉल्ट राइफल दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डी फॉर इंडियन आर्मी तो डी ने अभी इंडियन आर्मी के लिए एक असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है पूछा जा रहा है उस असॉल्ट राइफल का नाम क्या रहेगा तो उग्राम उस असॉल्ट राइफल का यहाँ पे नाम रहेगा ठीक है इसको डेवलप किया गया बाई ए आर डी ई इन पुणे महाराष्ट्र करेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड सिटी एक्रेडेशन वेटलैंड सिटी एक्रेडेशन स्कीम के लिए अंडर रामसर कन्वेंशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज राइट तो किन सिटीज को यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया गया और ये पहली बार है कि इंडियन सिटीज को लिस्ट किया गया और नॉमिनेट किया गया फॉर डब्ल्यू तो वो है इंदौर मध्य प्रदेश उदयपुर राजस्थान भोपाल मध्य प्रदेश राइट तो ऑप्शन फाइव यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवीज पी एट आई एयरक्राफ्ट इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन विच एडिशन ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई लोकेशन याद रखेंगे गुआम में हुई इन यूएसए राइट एंड पूछा जा रहा है कि इंडियन नेवी के पी एट आई एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया यह कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का फोर्थ एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का फिर छह कंट्रीज यहां पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज में यूएसए इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान कनाडा एंड साउथ कोरिया नेक्स्ट, और बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्सटेक तो बिम्सटेक के सेक्रेटरी जनरल किनको अपॉइंट किया गया वो है इंदिरा मानी पांडे करेक्ट एंड ये पहली इंडियन बने हैं करेक्ट जिन्होंने होल्ड किया इस पोजिशन को ऑफ द uh, जो होल्ड करेंगे इस पोजिशन को ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिमस्टेक एंड इवन यहां पर याद रखेंगे इनको यहाँ पे तीन साल के लिए इस पोजीशन पे अपॉइंट किया गया है ये किन को सक्सीड करेंगे ये सक्सीड करेंगे टेंगिंग लेकपेल को ऑफ भूटान नेक्स्ट डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैप ऑल 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स ऑन मोबाइल एप्लीकेशन मैपेल्स तो पंजाब स्टेट ने याद रखेंगे इन्होंने यहां पे अपने 784 ऐसे एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं करेक्ट उनको मोबाइल एप्लीकेशन मैपल्स पे मार्क करा है ये जो आपका एप्लीकेशन है मैपल्स ये सीई इंफो सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स दो रिलीज बाय हैलैंड पार्टनर्स इन जनवरी इंडियन पासपोर्ट्स रैंक डैश बाई प्रोवाइडिंग वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अरावल एक्सेस टू सिक्सटी टू कंट्रीज तो अभी हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी तो एटियथ रैंक पर आ जाता है इंडिया हैंन लैंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है इंडिया को सिक्सटी टू कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है एंड फर्स्ट पोजिशन पर कौन रहेंगी छः कंट्रीज रहेंगी जिनको वन नाइन्टी टू कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है फिर इसी के साथ साथ फोर कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिलती है और कौन सी हैं वो छह कंट्रीज वो है आपकी फ्रांस जर्मनी इटली जापान सिंगापुर एंड स्पेन तो राइट ऑप्शन इंडिया थर्ड दैट पोजीशन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट रिसीव टेजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्रॉम द्रौपदेव मुर्मू मम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी किनको नहीं मिला इनमें से तो आर्यन सिंह दाडिल् राइट इनको यहाँ पे टेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है बाकी सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया है पोस्ट यूमियसली मतलब आफ्टर डेथ तो सविता कंसल की बात करें इनको लैंड एडवेंचर के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया तुलसी चैतन्य जी तुलसी चैतन्य की बात करें तो वाटर एडवेंचर के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया अंशु कुमार तिवारी की बात करें फॉर एयर एडवेंचर एंड प्रवीण सिंह की बात करें तो फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इनको यहां पे सम्मानित दिया गया ठीक है मेल In मेल मतलब मेल है आपका मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडमेंड एरियल व्हीकल ड्रोन ही आपका बेसिकली ठीक है तो पूछा जा रहा है कि इंडियन नेवी ने रिसीव किया ये दृष्टि टेन स्टार लाइनर को विच कंपनी किस कंपनी ने इनको यह बना के दिया है तो यह है अडानी डिफेंस एंड एरो डिलीवर किया गया एंड दस ऐसे ड्रोन ऑर्डर रहेगा होमवर्क सेक्शन पहला पेंडेरम लैंड पेंडेरम लैंड यह भी न्यूज में था यह किस स्टेट या यूटी में लोकेटेड है सेकेंड रिसर्चर्स है न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन एम्फीपोर्ट थर्ड वेयर वॉज द इलेवेंथ इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल इनोग्रेटेड कहां पर इनोग्रेट किया गया फोर्थ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया किस कंट्री के साथ फॉर शेयरिंग ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ये कल ही डिस्कस किया है पांचवा विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे तो ये पांच आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स

of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided that is 767733862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle that is affairs underscore official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.